डब्बा भी नहीं खोलिया तो साढ़े अगे ना भी निकल गए फलोका वा फिर भी तो कहते तो भाई रिक्वेस्ट कर बिल्कुल बात भी जाए मुझे भी पता है यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेहरबानी भाई मेहरबानी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में वकास सईद आपका मेज़बान नुमाए फन मैगज़ीन से हम मौजूद हैं उस्ताद मिठू पहलवान की छत पर। और अभी थोड़ी सी मैंने अभी उनके बच्चों का व्यू आपको दिखाया, थोड़ा सा शो करवाया, बाकी भी उनके जानवरों का शो करवाते हैं। जी लाहौर के बहुत ही नामवर उस्ताद हाजी अताउल्लाह हमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अताउल्लाह भाई क्या हाल है आपके, ठीक हैं? रिजल्ट नहीं ठीक, एक मिनट यार। उस्ताद मियां फैसल एडवोकेट भाई जी, वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है, ठीक हो आप? जी मजहर भाई आ जाए दादा। अच्छा अब अपने भाइयों का तारुफ करवाते जाए साथ साथ। ये शगीर भट्टी साहब हैं जी जी, पिंड रंगिया जंगिया जिला शेखुपुरा, शेखुपुरा से ये भी शेखुपुरा से मेहमान आए हैं। हाँ जी ये मेहमान आए हैं जी जी, और वो मलक शबाज मेरा शगीर जी, शबाज भाई भी शेखुपुरा से बिल्कुल, और ये फरूक भाई हैं ये भी वहाँ से आए हैं। अच्छा फरूक भाई भी सही, इनकी बाजियाँ लगी हुई थी वहाँ पर आमर खरल के साथ जी जी, और वो शाह पार्टी के शगिर्द हैं, उन सबसे हमारी बाजियाँ थी। और माशाल्लाह हमारे ये भाइयों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी की है वहाँ पर भी, हमारे साथ से ऊपर के सारे पर्चे हैं। मलक शबाज जो है लाहौर के उस्मान जलाल भट्ट साहब के कप में वनडे वाले में भी छठे नंबर पे है, और ये है शबाज भाई बोले। अच्छा, और दो त्वारों वाले कप में ये चौथे नंबर पे हैं। सही। इनकी भी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। और वो नीचे मेरा एक लाला शगिर्द है रिम मार्केट में, उसकी छत है जी जी। वो उसकी भी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, 7 बजे के बाद उसके भी 2-3 कबूतर बैठे हैं, इस दफा भी 6 से 8 बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं जो ये छत पर इस वक्त मौजूद है, जो जो भी इनमें शौकीन है अल्लाह के फजल से अच्छा शौक करता है और शौकीन आदमी है। ये हफ्तू वफ्तू वाले हमें ना तो काम आते हैं ना अल्लाह के हुक्म से कभी किए हैं, अगर किए होते तो अल्लाह खुद ही हमें उसकी सजा देता, मगर अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, उसने हमारी इज्जत रखी है और हमें लाहौर चैंपियन किया है। बस इससे ज्यादा और हम कुछ नहीं कह सकते अपने दोस्तों के, और सबसे ज्यादा उस्ताद मुल्ला उस्ताद वहीद, मैं इनका इतना शुक्र गुजार हूँ कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। सही। अगर ये ना होते तो आज हमारी ये छत भी ना होती, लोगों ने तो हमें किसी काबिल रहने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। ये सारी हमारे उस्ताद ग्रामी, उस्ताद मुल्ला उस्ताद वहीद
उनकी मेहरबानी है, मैं उनका कैसे शुक्र अदा करूं, ये मुझे नहीं पता मैं उनको कैसे, उनके लिए मैं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है बयान करने के लिए। मुल्ला नदीम ग्रुप के जितने भी बंदे हैं ना, जब मैं आने से पहले छत पे आने से पहले अपना इबाद अली जाट जी जी ठीक है, और मलक अली मुल्ला भाई के जो बेटे हैं, हाँ जी, इन्होंने मुझे बड़े फोन करके कहा कि जी भाई को जो उनसे मुबारकबाद देनी है मेरी तरफ से, खैर मुबारक तो, उनको भी मुबारक हो जी जी। ये सब हमारे भाइयों दोस्तों और हमारी पार्टी के जितने मेंबरान हैं जी जी। उनकी दुआओं का ये सिला है, हम इस काबिल कहाँ पर है कि हम इस मुकाम पर पहुंचते, ये सब हमारे बड़ों की दोस्तों की भाइयों की जो हमारे साथ हैं, जो हमें दिल से प्यार करते हैं जी जी। सपोर्ट करते हैं, ये सब उनकी दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज्यादा इज्जत बख्शी है, इस हालात में आके भी अल्लाह ने हमें इतनी ज्यादा इज्जत से नवाजा है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते। अभी आपको वकास भाई उधर कैमरा करके व्यू दिखाएंगे, चिड़ी मारों की लाइटें जल चुकी हैं और वो अपने काम के लिए तैयार हैं। अब आप हमें बताएं कि हम कबूतर परवर क्या करें, हमने रात की भी कबूतरबाजी करनी है, दिन की भी, खुदारा कुछ ऐसा निजाम करें कि ये जाल वालों के जाल ही तबाह कर दिए जाए, जाल रखने बंद कर दिए जाए, ताकि हर बंदा कबूतरबाजी करे, शौक करे और इस शौक को आगे लेके चले। लिहाजा चिड़ी मारों का साथ देना छोड़ें, कबूतर परवरों का साथ दें ताकि इस शौक को आगे बढ़ावा दिया जाए, ना कि इसमें लोगों के दिलों को मायूस किया जाए और इस शौक से बज़न किया जाए। ऐसा खेल ना खेलें, सब बड़े उस्ताद मेरे अदब की जगह पर है, मैं किसी को गलत नहीं कहता, मगर सिर्फ हक का फैसला करें, हक की बात करें, खुदारा झूठे चिड़ी मारों से बचें, झूठे चिड़ी मारों से बचें। मेरा आपसे यही एक इल्तिजा है कि चिड़ी मारों से दूर रहें, अगर आपका तल्लक है भी तो इनसे बचें, ये तल्लक में ला के तो इंसान को बुरी तरह मारते हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये अपने आदिल शरीफ भाई हैं जी, वो कह रहे हैं उस्ताद मुल्ला ग्रुप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और हमारे साथ बड़े ही प्यारे भाई हैं हमारे, जिनका सियासत भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भी हैं, इरफान खोकर साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको देख रहे हैं, और मेरी तरफ से सलाम है जी इरफान भाई। इरफान भाई क्या हाल है आपके, ठीक हैं आप? और एक और भाई थे हमारे जी माजिद भाई, माजिद भाई वालेकुम अस्सलाम, माजा चाहूँगा भाई बात कर रहे थे तो इसलिए आपका जो सा ना वो जवाब नहीं दे सका मैं। जी मोहम्मद नादिर भाई जी, अगर वो सताए हुए हैं तो इसलिए वो जो उनसे वो चिड़ी मारों के बारे में इतना कुछ कह रहे हैं, तो बाकी आपने जो लिखा हुआ है वो सताए हुए हैं मेरे ख्याल से। भाई जान जिनके बारे में मैं कह रहा हूँ ना, ये चिड़ी मारों के बारे में, इनसे मेरा 25 साल का तल्लक है, बहन भाइयों वाला, घर में आना जाना हर तरह का, आपको मैं क्या बताऊं कैसे तल्लकात थे, मगर उन्होंने मुझे एक भी फोन नहीं किया कि यार जफर ये क्या सिलसिला चला है या कोई बात है ऐसी, कोई नहीं, इन्होंने अपने तौर पे प्रॉपर गंडा चलाना शुरू कर दिया रातों रात। मैं जब 2 बजे उठा हूँ मुझे सारे वाकये का पता चला है, मैंने उस्ताद जी से बात की है, अगले दिन ही हमने इकट्ठ करके जो मसला था उसको फौरी तौर पे ख़त्म किया है। अगर हमने उस्तादे ग्राम जो भी उधर इकट्ठ पे मौजूद थे, हमने आप उनसे पूछें, अगर हमने उनके फैसले पे किसी किस्म की भी चूँ चाँ की है, पहले नंबर से हमें उन्होंने 8वें नंबर पे फेंका है, हमने आमीन किया है कि हमसे गलती हो गई है, हम उधर से कबूतर लाए हैं, मगर ये छोड़ने वाले जो वाकिए हैं ना, जवेद भाई ने ऐसे कर दिया, जवेद भाई ने उधर से छोड़ा, जवेद भाई ने ऐसे कर दिया, पहले दिन तो ये कह रहे थे कि कबूतर पता नहीं कहाँ से आया, 2 चक्कर लगा के बैठ गया, दूसरे दिन ये कहने लग गए हैं ऊपर छोड़ दिया। खुदारा आप इनकी झूठी बातों पे यकीन मत करें, अल्लाह के ऊपर तवज्जो करें, उसने हमारे ऊपर ये मेहरबानी की है, अगर हम गलत होते तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता था, वो गफूरुर रहीम है, उसका करम है, उसका फजल है, हमारे उस्तादा ग्राम की बड़ी बड़ी इसमें मेहनत है, उनका मैं तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ, खास तौर पे उस्ताद मुल्ला उस्ताद वहीद, इन्होंने मेरी इतनी सपोर्ट की है कि मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। तो उस्ताद मुल्ला जिंदाबाद, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, उस्ताद मुल्ला जिंदाबाद, उस्ताद मुल्ला पार्टी जिंदाबाद। बड़े ही जज्बात में, बड़े ही पुरजोश अंदाज में जफर भाई और
अपने उस्ताद से मोहब्बत का इजहार करते हुए ज़फ़र भाई बहुत ही जज्बात में आके बने। और माशाल्लाह से सामने आप देख रहे हैं एक बड़ा ही खूबसूरत व्यू है जी, हमारे लाहौर में उस दाता साहब गंजबक चौंसे हैं जी, उनका बाजार है, उनके मीनार नज़र आ रहे हैं सामने दाता साहब के, आप देख सकते हैं जी। अच्छा पाशा भाई जोन से हैं जी, वो आपको कह रहे हैं जी मुबारकबाद मेरी तरफ से भी देना, और अदील शरीफ भाई जोन से जी वो ढींगा से गुजरात से जोन से हैं, वो पता लग गया होगा आपको जो पिछले दिनों में कट में आए थे, और माशाल्लाह से बड़े ही प्यारे भाई हैं हमारे, वो भी बड़ी मेहरबानी है जी, हम जी जी सारे भाइयों के दिल से शुक्र गुजार हैं कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बहुत ज्यादा मेहरबानी है, वरना चिड़ी मारो ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल मेरा कबूतर बाजों से कोई गिला नहीं, सिर्फ चिड़ी मारो से। आप उधर ये वकास भाई से कहें कि वो उधर आज उन्होंने रुपए में से 10 पैसे लाइटें जलाई हैं, मगर फिर भी नजर आ रहा है कि वाकई चिड़ी मार। उस्मान भाई भी आपको मुबारकबाद कह रहे हैं जी, उस्मान भट भाई जी, अब जाल है सामने, जाल से फिर भी थोड़ा बहुत व्यू नजर आ रहा है, ये जो लाइटें हैं जी जी के जी, जितने भी हैं ये लाइटें चल रही हैं, थोड़े कुछ जितने कपों वाले जी जी उस्तादा ग्राम है जिन्होंने कप करवाए हैं जी जी, मैं उनका भी शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने उस कट में हमारा फैसला किया, कबूतर कट गया ये गेम है जी जी, कोई बात नहीं, हमें उसका कोई गिला नहीं, ना हमें उन उस्तादों से कोई गिला जी, उन्होंने जो बेहतर समझा हमारे लिए उन्होंने फैसला कर दिया। शेख लुबना साहब, उस्ताद सफदर टेंटों वाले, उस्ताद पप्पू, उस्ताद वहीद, उस्ताद हाजी गुजर, तकरीबन उधर सारे उस्तादा ग्राम, उस्ताद तराब हैदर साहब जी जी, सब उधर मौजूद थे। मैं इनका दिल से शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे गेम के मुतल्लिक ये भी चीजें बताई हैं, इससे मुझे सबक हासिल हुआ है। मैं इंदा इस तरह की ऐसी कोई गलती करने से पहले 1000 दफा सोचूंगा, मैं अबल तो कबूतर लाऊंगा ही नहीं, इंशाल्लाह मैं चिड़ी मारों के साथ तल्लक ही खत्म कर दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये चाहे मेरे रोज के 100 पकड़े 200 पकड़े, अब मैं इनसे कबूतर लेने नहीं जाऊंगा, ये आ सकते हैं मेरे पास अगर इनका दिल चाहे, मैं बाजियों के लिए तैयार हूँ, मगर कबूतर बाजों से चिड़ी मारों से नहीं। सही, सही। कबूतर पर जब हमारे उस्ताद से सब कबूतर बाजों की बहाली हो जाए तो मैं हाजिर हूँ, मेरे साथ जैसे मर्जी वो पर्चे लिख लें, मगर पहले वो मेरे उस्ताद जी से मिलें, वो जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगा, उनके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, लिहाजा मैं सब उस्ताद ग्राम का शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने हमारा उधर फैसला किया तराब हैदर साहब के घर में, मुझे उनके फैसले से कोई इतराज नहीं, मुझे सिर्फ अकील शाह के फैसले पे इतराज है कि उसने मेरे 6 कबूतरों का हक मारा है, और मुझे फर्स्ट नंबर पे था, उन्होंने मुझे वो इनाम से निकाला है, मेरे उस 91 घंटे 10 मिनट बने हुए हैं जिस दिन उन्होंने मुझे अपने कप से निकाल दिया था, जबकि शाह के साथ मेरा कोई मसला नहीं था, मेरे 6 कबूतर बैठे थे, जो कबूतर मेरा बाहर गिरा था उसका शाह के कप में कोई तल्लक वास्ता नहीं था, मगर फिर भी इन्होंने अपना प्रॉपर गंडा बनाने के लिए मेरी छत को बाहर निकाला, गलत मलत बयान दिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, अल्लाह ताला ने मुझे इनकी बातों से 10,000 गुना ज्यादा इज्जत से नवाजा है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ, और बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उस्ताद मुल्ला जिंदाबाद। बस एक बार फिर जो सा पुरजोश अंदाज में जी उस्ताद मुल्ला जिंदाबाद के नारा लगाते हुए ज़फ़र भाई और हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद नवीद जट, बहुत ही प्यारे भाई हैं हमारे, और खालिद महमूद सिंधु भाई जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है? 16 दिन थोड़े होंगे ना। खालिद महमूद भाई भी आपको मुबारकबाद दे रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप तो हमारे से दूर दूर भाग रहे हैं, क्या चक्कर है? ये मलक बाद साहब हैं जी, ये हाजी गुजर साहब के इलाके में रहते हैं गाजियाबाद में। गाजियाबाद दे जो? हाँ जी यार, ताजपुरा स्कीम तो मैं रहना जी। तुसी तो ये मेरा बड़ा भाई है। क्यों चलेगे जो? रिमान गार्डन सही सही। रिमान गार्डन में तो शो करना है। अच्छा अच्छा सही 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 सही। और ये हमारे भाई वसीम भाई, वसीम भाई क्या हाल है, ठीक है? फिट फाट है? आपके साथ तो मुलाकात होती रहती है माशाल्लाह, कभी मुल्तान में, कभी उस्ताद मुल्ला की छत पे, और आज उस्ताद मिठू की छत पे, और सुनाए सब ठीक ठाक है? कुछ कहना चाहेंगे? चलो जी मेहरबानी उस्ताद जी, उस्ताद आशिक राशिद, राशिद भाई ठीक है, राशिद भाई तुसी भी उस्ताद मुल्ला दे शिगिर्द जे, अज मसलन उस्ताद मुल्ला दा ग्रुप ही सारा इकट्ठा होया, सही ठीक, उस्ताद मुल्ला जिंदाबाद, जबरदस्त जी, जबरदस्त।
ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈਓ ਕੇ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਆ ਜਾਓ ਜਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਕਟਿਆਲੇ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਕਟਿਆਲੇ ਜੀ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਟਿਆਲੇ ਜੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜੋਬ ਕਰਦੇ? ਉਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਮੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਵਕਤ CC3 ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਸਹੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਆਪ ਤੋ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪ ਕੋ ਸੇਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪ ਕੋ ਜੀ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਆਪ? ਪੈਗਾਮ ਬਸ ਇਹ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੂੰ, ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਨ ਸਭ ਕੋ ਹਦਾਇਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ ਜੀ, ਆਮੀਨ ਸਭ ਕੋ। ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਖੁਦ ਝਾਂ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਹੀ ਬਈ, ਇਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮ ਕਿਆ ਕਹੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੋ ਕਹਿਣਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਸਤਾਦ ਮੁੱਲਾ ਮਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ। ਆਮੀਨ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਕੋ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਫਜ਼ਾਈ ਮਾਨ ਰੱਖੇ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੋ ਸੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ, ਹਮ ਚਲਤੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਮਿੱਠੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਔਰ ਸ਼ੇਬ ਬਟ, ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਬ ਬਟ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰਾ ਬਤਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਜ਼ਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸੁਲਤਾਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਕੋਈ ਕੱਪ ਦੇ ਕੱਪ ਨਾਮ ਉੱਡਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਛੱਤ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਇਨਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨਾ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਸਰ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਰਾਣਾ ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ। ਰਾਣਾ ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਬਾਈ, ਲਾਹੌਰ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਆਪ? ਕਿ ਕਹਾਂ ਛੱਤ ਪਏ ਆਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਇਧਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਧਰ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ? ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਕਾ ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਵੋਹੀ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਤਾਏ ਜ਼ਰਾ। ਅੰਬਰ ਗੁਲ, ਗੁਲ ਖਾਨ ਰਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰ, ਸਹੀ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਮੈਨੇ ਸੁਣਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਜੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਕੱਪ ਸ਼ੱਪ ਵੀ ਜਿੱਤਾ ਜੀ? ਜ਼ਫਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਕੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਆਪ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੌਨ ਸੇ ਕੱਪ ਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਨੇ? ਨਾ ਹਮਾਰੇ ਮੱਲੇ ਕਾ ਜੋ ਕੱਪ ਥਾ, ਏਰੀਆ ਕੱਪ ਥਾ, ਇਲਾਕੇ ਕਾ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਥਾ ਉਸਕਾ? ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਗੇ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਚਲੋ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਅੱਛਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾ? ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਮਸਾਂ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਬਿਠਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਆਪਕੋ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਐਬ ਭਾਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਆਪ ਮੁਸਕਰਾਤੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਮੇਂ ਉਤਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਕਰੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਆਪ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬੰਦੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ, ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਸੀ ਬਾਤ ਕਰੇ। ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਯਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸਭ ਸੇ ਅੱਛਾ ਇਧਰ ਛੱਤ ਪੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਗੋ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਏ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਨਕੇ ਮੂੰਹ ਪੇ ਅੱਲਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਭਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਮੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੇ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਲਾਲਾ ਅਬਦੁਲ ਮਾਜਿਦ ਅਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵੀ ਇਨਕੋ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਹਮਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀ ਹੈ ਜੀ ਲਾਲਾ ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲਈ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਜੀ। ਲਾਲਾ ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਕੇ? ਔਰ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਸਰ ਆਪ ਵਸੀਮ ਭਾਈ, ਵਸੀਮ ਭਾਈ, ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ, ਸਹੀ ਸਹੀ, ਲੰਗੋਟੀ ਯਾਰ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਭੱਜਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਯੇ ਇੱਕ ਮਾਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਮਾਰਾ, ਯੇ ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਕੇ ਸਾਥ, ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਕਾ ਸ਼ਗੀਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਤੂੰ ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਵਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਸ਼ਗੀਰਦ ਤੂੰ ਜ਼ਫਰ ਭਾਈ ਕਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਸਹੀ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਕਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਕਾ ਸ਼ਗੀਰਦ। ਸਰ ਮੈਨੇ ਬਤਾਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇ ਲਾਲਾ ਮਾਰਾ ਨਯਾ ਨਯਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਸਾਤ ਬਜੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੂ ਮੇ
ये छत आगे होगी अल्लाह के हुक्म से, अंदरून में इसका नाम होगा अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। और ये सारे मेरे भाई भी हैं और मेरे शागिर्द भी हैं, और उस्तादी शागिर्दी वाला कोई चक्कर नहीं है, ये मेरे भाई हैं सारे, बिल्कुल मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और यही सब कुछ है मेरे लिए जो आज मेरी छत पे मौजूद है। ये सारे मेरे दोस्त भाई और दिल से प्यार करने वाले सब लोग इधर मौजूद हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं बारी बारी, अगर इनको इधर कोई भी गलती या मिस्टेक नजर आई है, इन सब की जूतियां और मेरा जफर पहलवान का सर हाजिर है अगर इस छत पे कोई गंदा शौक हो गया तो। अल्लाह के हुक्म से उस्ताद मुल्ला पाल्टी इसी तरह सुरखरू रहेगी। एक बार फिर उस्ताद मुल्ला पाल्टी उस्ताद वही उस्ताद मुल्ला पाल्टी के जितने भी हमारे मेंबरान हैं उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद है, उन सब की दुआओं से मैं आज सुरखुरू हुआ हूँ, मगर मैं इस काबिल नहीं था, ये सब मेरे भाइयों की दुआएं हैं जो सब इस वक्त मेरी छत पे मौजूद है और जो बाहर हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं हमारी पार्टी के लोग, मैं सबका दिल से शुक्रगुजार हूं। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद मुल्ला जिंदाबाद, उस्ताद जफर पहलवान जिंदाबाद। और लाला मस्जिद अवान साहब बड़ा अच्छा इन्होंने पैगाम दिया जी, बस इस खेल से जुबे का खात्मा होना चाहिए। जी माजिद साहब बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं जी बहुत ही लेजेंड और बहुत ही प्यारे भाई हमारे मलिक जमशेद भाई जी। जमशेद भाई जी अस्सलाम वालेकुम। और पाशा भाई जो जी कह रहे हैं जी, जेदा भाई कौन है? जेदे भाई पाशा भाई तुम सलाम कह देने। वालेकुम अस्सलाम, पाशा भाई को भी अस्सलाम वालेकुम और उनको भी मुबारक हमारी तरफ से। जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल जी बिल्कुल। उस्मान अकबर भाई जी सबको सलाम कह रहे हैं जी, मुबारक हो सबको जी। साजिद शाह साहब कह रहे हैं जी, सर अभी 45 पे आ गए हैं, 45 पे आ गए हैं, जिस तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं ये चीजें। बाकी किसी और भाई ने कोई पैगाम या कोई चीज बात कहनी है आ जाए, सर शर्माया ना करो, असी बंदे ही हैं सारे, आ जाओ इधर आ जाओ सामने रोशनी च आ जाओ। कुछ नहीं क्या बोलना, कि आपने कौन सा तराना सुनाना कोई? एक मिनट जरा, चले एक बात कहूँ, मजाक नहीं, जब मैंने भी शुरू शुरू में काम किया था ना, यकीन मान मैं भी तेरे तरह हिचक जाता था, सीरियस कह रहा हूँ, अंदर से समझ ये बंदे नहीं है तेरे पास बैठे हो, कोई नहीं है, तू अकेला ही है, तू अपने आप साथ सिर्फ अपने आप साथ बात करनी है तूने, बस ये समझ समझ के दुनिया है नहीं तेरे पास, समझ ले मेरी बात को, फिर समझ ले कहीं हिचकिचाएगा ही नहीं तू कभी, किसी भी जगह पे किसी भी लेवल पे नहीं तू कहीं हिचकिचाएगा। जी सर आज उस्ताद जी बोले मुस्कुराते रहते, कुछ बोल भी दिया आ जाओ मिठू भाई, थले तो चला के नहीं, फिर तो मैं फटे चलाना उस्ताद जी, हाँ जी चलो जी उस्ताद जी की कहना चाहोगे अपने उस्ताद के बारे च, अपने जो प्यारे भाई ने जो कबूतर प्रवर हजरात ने उन्होंने बारे कुछ पैगाम देना चाहोगे? सारे भ्राओं मैं अस्सलाम वालेकुम कहना चाहना। वालेकुम अस्सलाम। मैं मिठू पहलवान की छत पे मौत हूँ जी जी, तो 5-6 साल हो गए हैं मुझे इधर जी जी पास, और मेरे भाइयों की मेरे मालकों की मेहनत और साथ मेरी मेहनत, पहले लम्हे का तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिनकी वजह से ये इज्जत मिली है जी जी, जितना भी अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूं कम है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी है, हम इस काबिल नहीं थे, बिल्कुल जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए उनकी भी बहुत मेहरबानी जिन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाए हैं। शाह साहब को भी मैं सलाम पेश करता हूं, मैं उसको 25-30 साल तक जानता हूं, वो मेरे बहुत क्लोज रहे हैं जी जी, लेकिन मैं वो मेरे से भी नहीं छुपे हुए, मैं उनसे नहीं छुपा हुआ जी जी, लिहाजा मैं उनको जो उन्होंने हमारे साथ किया फिर भी हम उसका अल्लाह उसका भला करे जी जी, उसको अल्लाह नेकी की दया दे, यानी कि वो रिंग लीडर बन चुके हैं जी जी, और रिंग लीडर का फैसला होता है जो अटल होता है,
तो अल्लाह ताला उनको नेकी की तहत दे और अच्छे फैसले करेंगी तौफीक ता फरमाए। बाकी अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है, हम अभी भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें अपनी रहमत नवाजा है। हम इस काबिल नहीं थे, लिहाजा हमने लोगों ने मेहनत की है, अल्लाह पाक ने हमको सुलझा दिया। मेरे मालिकों ने अच्छे लोग हैं, वो मैं 5-6 साल जिनके पास हूँ, वो बहुत शरीफ आदमी है, लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया, उनको किस्त करने की कोशिश की है जी, ठीक। लिहाजा ये लोग जो बातें करते हैं, मैं आपके सामने कैमरे में आया हूँ, मैं इन लोगों को सब जानता हूँ, मेरे से कोई भी नहीं छुपा होगा, तो लिहाजा मैं इनसे फिर दरख्वास्त करूंगा कि अल्लाह पाक इनको नेकी दे दे और अच्छे फैसले करेंगे, इनको तौफीक ता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हमारा उस्ताद मुल्ला जिंदाबाद। हां मुल्ला जिंदाबाद, हां मुल्ला जिंदाबाद जी। बहुत ही मुझे आज यकीन मानने बड़ा ही मजा आ रहा है आज इंटरव्यू करने का। ये सारे भाई इकट्ठे हुए हैं, एक तो माशाल्लाह से, एक तो जीते भी हुए हैं, ऊपर से माशाल्लाह शुगलिये बंदे भी हैं सारे। और जी हमारे साथ फैसलाबाद से बहुत ही हमारे प्यारे उस्ताद हैं जी, ये फैसलाबाद के भाई हैं हमारे, मिठू भाई एहसन पुरी साहब फैसलाबाद वाले, वो भी आपको देख रहे हैं माशाल्लाह से, फैसलाबाद के चैंपियन उस्ताद हैं वो भी। उनको हमारा सलाम जी, जी बहुत शुक्रिया। हमारे उस्ताद हैं जी वो भी, राणा नहीं रजा, रजा आजम साहब जी, अगर आपको नंबर चाहिए तो आप यार मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको मुल्ला नदीम साहब का जो साहब नंबर आपको सेंड कर दूंगा। बाकी और किसी भाई को कोई, जवेद भाई आ जाओ जी, तुम भी आ जाओ, तुम कितने पीछे पीछे रहना जी। वही पैगाम, अगर आप लोग बोर होते हो उस चीज से तो मैं फिर भी वो कहता रहूँगा कि यार सब भाई जो से हैं मोहब्बत से भाईचारे के साथ रहें एक दूसरे के साथ, और इख्तलाफात प्लीज़ यार इख्तलाफात जो से हैं वो दूर करें और एक दूसरे के साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर चलें, भाई भाईचारे के साथ मोहब्बत के साथ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और हमेशा अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें, हमेशा एक दूसरे की कुताही को दरगुजर किया करें, जितना भी हो सके कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ भाईचारे की तरह रहें, चाहे वो आपका हरीफ है, हरीफ तो समझा ना करें, भाई समझा करें आप अपने एक दूसरे को सबको। तो अल्लाह ख्याल करे जी, अल्लाह पाक आप सबको अपने खुश, अल्लाह पाक सब आपको खुश रखे, तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह, मेरे ख्याल से कल एक और भाई हैं उनकी छत पर, अगर हो सका मेरे ख्याल से उधर जाएँ तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी आपको शो करवाएँगे हो सकता है, तो लिहाजा इजाज़त दीजिएगा जी, अस्सलाम वालेकुम।